वेलकम बैक अगेन एंड विल कंटिन्यू फर्दर। देखो मैं आप बात कर रहा था लास्ट टॉपिक के अंदर कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है वी शुड हैव क्वांटम नंबर। हम चार क्वांटम नंबर को यूज करने वाले हैं टू एड्रेस द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो वो किस तरीके से करते हैं जरा समझते हैं यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हमें चार क्वांटम नंबर, जो पहला क्वांटम नंबर हमें यूज करना है इट्स नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम क्या बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नॉर्मली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, उसको हम किससे डिनोट करेंगे स्मॉल एन। लेट मी चेंज द कलर ओवर हियर सो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, करेक्ट और नॉट। स्मॉल एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्मॉल एन की वैल्यू नॉर्मली आपको एनर्जी लेवल या तो प्रिंसिपल सेल बताते हैं। एक एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल रहते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग के अंदर अगर आपके पास फ्लैट सिस्टम है तो एक बिल्डिंग के अंदर अलग अलग फ्लोर होते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, लाइक दैट देयर आर डिफरेंट। वैसे ही एक एटम के अंदर देयर आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स रहते हैं, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, ये सब बस हमारा न्यूक्लियस है। एन की वैल्यू विल ऑलवेज डिनोट द एनर्जी लेवल होता है, वो इंटीजर से दिखाया जाता है। वैल्यू किसमें रहेगी इंटीजर। फोर लाइक एन इक्वल टू, अगर आपने आपको किसी ने बताया एन इक्वल टू मीन्स द इलेक्ट्रॉन शुड बी इन द फर्स्ट एनर्जी लेवल, एन इक्वल टू दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन शुड बी इन द सेकेंड एनर्जी लेवल, थ्री मतलब थर्ड एनर्जी लेवल, करेक्ट और नॉट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट। तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर काफी काम का है हमारे लिए, इट शोज अस द एनर्जी कहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल पे है। देन पर जो हमारे पास है वो है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या तो उसको बताया जाता है अजीमथल क्वांटम नंबर। इट इज नॉर्मली डिनोटेड बाय स्मॉल एल, उसको किससे डिनोट करेंगे स्मॉल एल से। ओके व्हाट डज इट सिग्निफाई, नॉर्मली इट सिग्निफाइज द टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। मैंने आप पढ़ाया उससे पहले अर्लियर टॉपिक में देखा देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स, एफ, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्बिटल्स आते हैं। तो एल आपको क्या दिखाएगा टाइप ऑफ ऑर्बिटल, एंड डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ ऑर्बिटल इट हैज डिफरेंट शेप्स आल्सो। ऑर्बिटल हैज स्फेरिकल शेप्स, ऑर्बिटल हैज डंबेल शेप्स, ओके, डी ऑर्बिटल हैज डबल डंबेल शेप्स, एफ ऑर्बिटल हैज फर्दर देन दैट, जो हमारे स्टडी में नहीं है। Okay. Normally value of L is always from 0 to n minus 1. The value of L will be always equal to 0 to n minus 1. Let me explain you. Example. Agar aapke paas principal quantum number 1 hai, then what is the value of L? 0 to 1 minus 1. 1 minus 1 gives you what? 0. That means uski value 0 to 0. That means 0 hi rahegi. उसकी वैल्यू क्या रहेगी जीरो। लेट मी कंटिन्यू फर्दर। सपोज आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल्स टू, देन द वैल्यू ऑफ एल इज फ्रॉम जीरो टू टू माइनस वन, दैट इज जीरो टू वन, मतलब इट इज वैल्यू ऑफ जीरो एज वेल एज वन। इट्स लाइक दिस, लेट मी एक्सप्लेन अदर वे। इस तरीके से अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन है तो वन क्वांटम नंबर पे आपके पास मतलब फर्स्ट एनर्जी लेवल पे कौन सी ऑर्बिटल होनी चाहिए, बिकॉज एल आपको बताएगा कौन सी ऑर्बिटल होनी चाहिए। एल क्या बताता है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन इक्वल्स टू वन वी हैव वैल्यू ऑफ एल इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स फर्स्ट एनर्जी लेवल हैज जीरो टाइप ऑर्बिटल। I used the word zero type orbital. I didn't say orbitals. What did I say? Zero type of orbital. अगर आप n की value 2 ले रहे हो
then what should be the values of L? 0 to 1, because 0 to 2 minus 1 gives you 0 and 1. That means second principal quantum number has two types of orbitals. One is 0 type of orbital and second is 1 type of orbital. Normally 0 type of orbitals are known as S orbital. Usko hum kya bolenge? And jo 1, ye bhi S hai aur ye P hai. 1 type orbital ko P type orbital bolte hai. Iska matlab ye hua hamare paas जो फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके पास जीरो टाइप यानी कि एस ऑर्बिटल है, जिसको हम बोलेंगे इट इज 1s ऑर्बिटल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के पास कौन से, मैं यहां पे अलग कलर यूज करूंगा क्योंकि लाइट बैकग्राउंड है, इसके पास खाली 1s ऑर्बिटल रहेगी। जीरो टाइप मतलब कौन सी ऑर्बिटल रहती है? एस। जब हम बात कर रहे हैं सेकेंड वाले के लिए, सेकेंड एनर्जी के पास दो टाइप की ऑर्बिटल है, कौन कौन सी? जीरो टाइप एंड वन टाइप, मतलब एक एस टाइप है और एक पी टाइप है। इसको बोलेंगे 2s और इसको बोलेंगे 2p। सेकेंड एनर्जी लेवल है 2s एंड 2p, मतलब जीरो टाइप एज वेल एज वन टाइप। सेकेंड एनर्जी लेवल में आपको 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल देखने को मिलने वाली है। करेक्ट? आर यू गेटिंग मी? जब हम n इक्वल टू 3 पे आ जाते हैं, मतलब थर्ड एनर्जी लेवल पे, थर्ड प्रिंसिपल कौन है, उसके पास कितनी ऑर्बिटल्स रहे, देन द वैल्यू सेज 0 से लेके n माइनस 1, दैट मींस फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 और 3 माइनस 1, मतलब 0 टू 2, 0 टू 2 का मतलब हो गया उसके पास एक 0, 1 एंड 2 की ऑर्बिटल होनी चाहिए। कितनी ऑर्बिटल होनी चाहिए? तीन टाइप की। जीरो स्टैंड्स फॉर एस, मतलब उसके पास 3s। व्हाई 3s? बिकॉज़ थर्ड एनर्जी लेवल की है। देन इट इज 3p। व्हाई 3p? बिकॉज़ थर्ड एनर्जी लेवल की पी ऑर्बिटल है। एंड इट इज 3d। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने जो आपको ये ऑलरेडी प्रिंट फॉर्म में दिया उसमें लिखा हुआ है 3s, 3p, 3d. Can you see that? तो 100% श्योर है कि जहां पे भी जीरो है वो s ही होगा, वो हमेशा क्या रहने वाला है? s। जहां पे 1 है वहां पे हमेशा क्या मिलेगा आपको? p। एंड जहां पे l की वैल्यू 2, इट हैज टू बी d। इट हैज टू बी d। बट कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ जुड़ी हुई है? आर यू गेटिंग? अगर हम फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जाते हैं तो उसके पास 0 से लेके 4 माइनस 1 यानी कि 0 से लेके 3, 0, 1, 2 एंड 3। करेक्ट और नॉट? 0 टॉक्स फॉर सेज 4s, 4p, 4d एंड 4f। मैं यहां पे लिख नहीं पाऊंगा 4f, इट इज सपोज टू बी 4f। करेक्ट और नॉट? एक ही मिनट देना मुझे। हम लोग थे यहां पे, करेक्ट? आर यू गेटिंग दैट? नहीं आ रहा आपको? Then we'll continue further. So do you understand what is happening over here? We have center of nucleus, then we have 1s orbital in the first energy level, we have 2s orbital in second energy level, we have ye wali hamari 2s thi, then we have 2p. 2p are always like this, तीन होती है 2px, 2py, 2pz। अभी तक मैंने वो नहीं बताया आपको, बट यहां पे 2p मिलेगी आपको। देन वी हैव 3s, 3p एंड 3d। देन वी हैव 4s, 4p, 4d, 4f। करेक्ट और नॉट? आर यू गेटिंग दैट? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, नाउ ये तो दो क्वांटम नंबर हो गए,
अगर आपको ऐसा बोला द वैल्यू ऑफ एन इक्वल्स टू टू एंड एल इक्वल्स टू वन, कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल्स टू टू एंड एल इक्वल्स टू वन पी। आपको एक थोड़ा सा हिंट याद रहे से बता दो, एल की वैल्यू से याद रखो 0 1 2 3 एस पी डी एफ, एल की वैल्यू 0 1 2 3 एस पी डी एफ, पावर रेंजर्स। ओके, ऐसा कुछ स्लोगन है पावर रेंजर्स का। हियर 0 1 2 3 एस पी डी एफ। तो अगर उन्होंने बताया एल इक्वल टू वन एस पी, इफ दे से एन इक्वल्स टू फोर एल इक्वल्स टू थ्री फोर एन की फोर एस पी डी फोर डी इलेक्ट्रॉन इज फोर डी ऑर्बिटल। सो व्हेन दे गिव द नंबर्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, कौन सी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। विल कंटिन्यू फर्दर, मैं इसको इरेज कर देता हूं एंड विल कंटिन्यू फर्दर। नाउ द थर्ड क्वांटम नंबर दैट इज मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर एम, बराबर है कि नहीं, मैग्नेटिक मोमेंटम क्वांटम नंबर। व्हाट डज इट गिव अस, गिव्स अस द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। आपको क्या दिखाने वाला वो ओरिएंटेशन, लेट मी हैव द डिफरेंट कलर ओवर हियर, इट शोस अस द ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है डायरेक्शन, कौन सा ऑर्बिटल है, क्योंकि पी के तीन डायरेक्शन है। कैसे पता चलेगा, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक नंबर कि कौन सा नंबर एक बताएगा, कौन सा वाई बताएगा। बाय द वे उसकी वैल्यू इट्स फ्रॉम प्लस एल टू माइनस एल, द वैल्यू ऑफ एम इज प्लस एल टू माइनस एल। जहां तक हम बात करते, अगर एस ऑर्बिटल है आपके पास, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है, जीरो। एस के लिए एल की वैल्यू जीरो है, एन की वैल्यू वन है। यहां पर जब भी एस ऑर्बिटल है एल हैज टू बी जीरो, अभी मैंने आपको सिखाया 0 1 2 3 एस पी डी एफ, दैट्स व्हाट जस्ट नाउ आई टोल्ड यू एस पी डी एफ। एल जीरो मतलब इट हैज टू बी एस, कहीं पे भी देखिए आप, जहां पे भी एल जीरो है ना, इट हैज टू बी एस। दिस इज 2s, दिस इज 3s, दिस इज 4s, लाइक दैट। जहां पे भी एल की वैल्यू 1 है, इट हैज टू बी पी, करेक्ट और नॉट। जहां पे भी एल की वैल्यू 2 है, इट हैज टू बी डी, एंड एल की वैल्यू 3, इट हैज टू बी एल इक्वल्स टू 3, इट हैज टू बी एफ, करेक्ट और नॉट। विल कंटिन्यू फर्दर, वहां पे एक जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। वेर वेर वी हियर, उफ, जस्ट गिव मी वन मिनट, वी आर हियर। I was here. I would appreciate if you keep quiet. Thank you. We'll continue further. Now, उन्होंने बताया, the value of m is from plus l to minus l. अगर आपके पास l की value zero है, that means अगर आपके पास s orbital है, then what should be the value of l? Plus zero to minus zero. Value of l is zero. एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी है, जीरो। प्लस जीरो टू माइनस जीरो इज जीरो। एस ऑर्बिटल बेसिकली दे आर डिरेक्शन लेस। वाई डिरेक्शन लेस? आप क्रिकेट को सपोज मेरे पास ये एक पेन है, इसको ऐसे पकड़ू उसकी डिरेक्शन में फर्क पड़ता है, इट हैज डिफरेंट डिरेक्शन बिकॉज, बट क्रिकेट बॉल स्फीयर एंड एनी स्फीयर को आप ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, इस ओके चारों ओर सिमेट्रिकल है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। उसकी चारों ओर डिरेक्शन एक, चारों ओर से एक जैसा ही वो दिखता है, तो वी कैन कॉल इट इट इज डिरेक्शन लेस। तो स्फेरिकल ऑर्बिटल आप उसके लिए कोई ओरिएंटेशन जरूरी नहीं है, चारों ओर एक जैसा ही होता है, इसलिए उसका एम जीरो है। वेर एवर यू विल फाइंड एल इक्वल्स टू जीरो, जहां जहां पर भी एल जीरो है वहां पर एम की वैल्यू डेफिनेटली जीरो होगी। इसके लिए भी एम की वैल्यू क्या रहने वाली है, इसके लिए भी वेर एवर यू हैव एल टू जीरो एम इज सपोज टू बी जीरो।
आर यू फॉलोइंग मी? जब भी एल की वैल्यू जीरो, एम इज सपोज बिकॉज इट इज एल टू माइनस एल. हैव यू अंडरस्टूड दैट पॉइंट? ओके, वी विल कंटिन्यू फर्दर. अगर आगे जाते, सो अगेन इसके लिए भी क्या आई वैल्यू? जीरो. बट अगर आपके पास एल वन है, वन स्टैंड्स फॉर द पी ऑर्बिटल, देन एम की वैल्यू प्लस वन टू माइनस वन, दैट इज प्लस वन जीरो माइनस वन, दैट इज प्लस वन जीरो माइनस वन. पी ऑर्बिटल तीन होती है, पी एक्स पी वाई पी जेड, उनकी तीन ओरिएंटेशन है. याद रखना यहां पे, पता नहीं मैंने जो आपको दिया है वो टेबल उसके अंदर लिखा है कि नहीं लिखा है, हमेशा एम की वैल्यू जब जीरो होती है ना तो वो पी जेड ऑर्बिटल दिखाती है. वो कौन सी ऑर्बिटल दिखाती है? मैं बोलूं तब लिखना. इसको पी जेड बोलेंगे, इसको हम पी एक्स बोलेंगे, इसको हम पी वाई बोलेंगे. सिंस वो टू पी ऑर्बिटल है, इसलिए हम लिखेंगे टू पी एक्स टू पी जेड एंड टू पी वाई. करेक्ट और नॉट? वहां पे एक छोटी सी लाइन की जगह है, वहां पे लिखना है. अभी मत लिखना, मैं बोलूं तब लिखना, क्योंकि उसके बाद कुछ और भी आने वाला है. इज दिस फाइन? मैं इसको निकाल रहा हूं. मतलब एक की वैल्यू गिव्स यू द डायरेक्शन पी जेड पी एक्स एंड पी वाई. करेक्ट? याद रखना है जीरो. सिमिलरली अगर हम थर्ड एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, थर्ड एनर्जी लेवल में 3s के लिए m की वैल्यू जीरो, जहां पे भी s है m की वैल्यू जीरो ही रहेगी. इसके लिए अगर ये प्लस वन है 3p, तो अगेन आपके पास कितनी वैल्यू मिलेगी? तीन. एक किसके लिए मिलेगी? पी जेड पी एक्स पी वाई. एंड सिंस दे बिलोंग टू थर्ड, सो 3pz 3px 3py. आर यू गेटिंग दैट? बट जब d ऑर्बिटल्स आती है, d के लिए l की वैल्यू कितनी है? 2. सो प्लस 2 से माइनस 2, दैट्स व्हाट m सेज. m की वैल्यू क्या होती है? प्लस 2 से 2. सो दैट इज प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2. याद रखना ये आपको 3dz² बताएगा, जो जीरो है वो. जीरो क्या बताने वाला है? 3dz². ये जो है वो बताएगा 3dxy. 3dyz, 3dzx, and the last one 3dx²y². We have 5d ऑर्बिटल्स. कितनी ऑर्बिटल्स? d ऑर्बिटल्स कितनी रहने वाली? 5. बट अभी आपके जगह है, यहां पे आप 2px 2pz 2py, उतनी जगह में ये लिखना है. मैंने कम स्पेस दे रखी है वहां पे, लेकिन आपको लिखना वही है. करेक्ट और नॉट? ये सब की वैल्यूज आप वहां पे लिखोगे. तक मैं इसको पोस्ट कर रहा हूं. होपफुली आप लोगों ने लिखा, मैं इसको निकाल देता हूं. नाउ सेम वे अगर आपके पास फोर्थ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो उसके लिए एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि हमारे पास एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल एंड लास्ट में रहती है हमारे पास एफ ऑर्बिटल. तो ये आपको मिलेगी 4s. 4s के लिए m की वैल्यू 0, देन 4px 4py 4pz. ये 4pz रहेगी, ये रहेगी 4px, ये रहेगा 4py. सिमिलरली वी हैव 4dz² 4dxy 4dyz, जो ऊपर हमने सीखा था ना, वैसा ही आप इसके लिए भी लगा सकते हो. बट वहां पे क्या आएगा? 4d. एंड देन मतलब d की 5 ऑर्बिटल होती है, वन ही होती है. Have you seen every time s was one only? 1s, 2s is 1. p की 3 होती है, px, py, pz. d has 5 ऑर्बिटल्स, बट f है 7 ऑर्बिटल्स. f की कितनी रहेगी? कितनी सी रहेगी? प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3. और वो कौन सी ऑर्बिटल है? हमारे स्टडी में नहीं है अभी. हमारे स्टडी में d पे ही अटक जाते हैं. स्टॉप. पता होनी चाहिए कि f की कितनी ऑर्बिटल्स है? 7 ऑर्बिटल्स.
इज दैट फाइन? उसके शेप्स हमारे स्टडी में डी के, सॉरी एफ के नहीं है, डी के है, तो डी के शेप्स मैंने आपको दिखाया. अच्छा वन मोर थिंग, द वैल्यू ऑफ एम इक्वल्स टू प्लस एल टू माइनस एल भी ले सकते हो, या तो वैल्यू ऑफ एम इक्वल्स टू टू एल प्लस वन भी ले सकते हो. एक्चुअली दोनों एक ही चीज़ है. देखो जैसे कि मैं यहाँ पे पहले के लिए एल की वैल्यू जीरो डालता हूँ, तो एम की वैल्यू टू इंटू जीरो प्लस वन गिव्स यू वन, मतलब आपके पास एस की एक ऑर्बिटल मिलेगी. नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एल बताएगा वो क्या बताएगा आपको, नंबर ऑफ वैल्यूज. अगर आपके पास एल की वैल्यू वन है, देन टू एल प्लस वन, टू इंटू वन प्लस वन तीन मिलेगा. मतलब जब भी एल की वैल्यू वन, आपके पास एम की वैल्यू तीन वैल्यूज मिलेगी. कौन कौन सी? प्लस वन, जीरो एंड माइनस वन. अगर एल की वैल्यू टू है, देन एम की वैल्यू टू इंटू एल प्लस वन विच विल गिव यू फाइव वैल्यूज. ओके आपको समझ में आ रहा है? वहां पे मैंने टेबल में वो चीज भी एक लिख रखी है जो मैंने आपको प्रिंट आउट दिया. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो नाउ व्हाट डू वी हैव इज दिस. अगर हमारे पास एक एटम है, उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू हमारे पास यहां पे एक ये 1s ऑर्बिटल रहेगी, देन 2s ऑर्बिटल रहेगी, 2 के पास और एक ऑर्बिटल भी होती है, वो है 2px, 2py, 2pz. अगर आप नए लेवल पे जाते हो, देन वी हैव 3s ऑर्बिटल एंड वी हैव 3px, 3px इतनी ड्रॉ करते हैं, 3px, 3py, 3pz. थर्ड के पास और एक ऑर्बिटल है, और एक टाइप की 3dz स्क्वायर, 3d x स्क्वायर y स्क्वायर, 3d xy, 3d yz, 3d zx. Then we have 4s, we have 4px, 4py, 4pz, then we have 4d x square y square, 4d z square पहले तो माप करना, 4d x square y square, 4d xy, 4d this, समझ में आ रहा है? Then 4a की seven, उसके बाद आती है 5s, 5px, 5py, 5pz, then 5ds, 5fs, then आती है 6s, 6ps, 6ds, like that. Are you getting that? 7, 8 तक जाएगी. इन एन एटम इतनी ऑर्बिटल्स हमें स्टडी करनी है. उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है और हर एक जगह पे अलग अलग जगह पे रहेगा. आर यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा नाउ आई कैन, बिफोर आई कंटिन्यू फर्दर, लेट मी पॉइंट आउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. बाद में बताने वाला हूं क्यों, लेकिन अभी के लिए जरूर बता देता हूं. क्यों वो बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या है वो बता देता हूं. एनी ऑर्बिटल, अभी के लिए सिंपल टू अंडरस्टैंड द इन ए, हमारी ये एक एस, चाहे कोई भी हो, चाहे वो एस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, एवरी ऑर्बिटल कैन कंटेन मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन. एक के अंदर वन ऑर्बिटल कैन हैव, चाहे कोई भी लो, कैन हैव मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन. इट कैन हैव जीरो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. ऑर्बिटल कैन बी वेकेंट, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, वो चलेगा. एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, उसके पास मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? दो. दो से ज्यादा नहीं, दो से कम हो सकता है, बराबर है? नॉट ओनली दैट, जब एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दे कीप ऑन मूविंग अराउंड. वो एक जगह पे फिक्स नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. खाली रिवॉल्व करते हैं ऐसा नहीं है, इवन रोटेट ऑन देयर ओन एक्सिस. लाइक अपना जो प्लेनेटरी सिस्टम है, सन जो अर्थ है, इट रिवॉल्व्स एज वेल एज रोटेट्स. तो यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड दो इलेक्ट्रॉन, उन दोनों का रिवोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे, पर रोटेशन के बारे में जरूर बात करते हैं. एक का रोटेशन क्लॉकवाइज होता है,
तो दूसरे का डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज होता है। दूसरे का डेफिनेटली क्या रहेगा? अगर एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, वन हैज टू बी क्लॉकवाइज एंड सेकंड हैज टू बी एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा नंबर है, इट टॉक्स अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर, इट टॉक्स अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर एस। व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। व्हाट डज इट सिग्निफाई? स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। नॉर्मली एस की वैल्यू दो ही रहेगी, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ, या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ। इजी टू अंडरस्टैंड ओवर हियर, ओके? अगर एस की वैल्यू प्लस हाफ है, दैट मींस इट टॉक्स अबाउट क्लॉकवाइज, एंड एस की वैल्यू अगर माइनस हाफ है, देन एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज के लिए कई बार हम ऐसा एरो यूज करते हैं, कई बार क्या, हर बार अपवर्ड एरो। अपवर्ड एरो टॉक्स अबाउट इट इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बताया, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहां पे एक गलती कर दी है, मुझे माफ कर। एस इक्वल टू प्लस हाफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ओके? मैंने मेरे जो प्रेजेंटेशन बनाया उसमें गलती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब प्लस हाफ, एंड क्लॉकवाइज मतलब माइनस हाफ। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एरो अप, क्योंकि देखो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाएगा ना, मुझे दूसरा कलर यूज करने दो। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे जाता है, एरो गोज अप, उसके लिए प्लस हाफ। एंटी क्लॉकवाइज वो एरो नीचे आता है, इट हैज टू बी माइनस हाफ एंड एरो इज डाउनवर्ड्स। क्लॉकवाइज के लिए नीचे वाला एरो एंड एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऊपर वाला। एंटी क्लॉकवाइज के लिए इसकी वैल्यू क्या लेंगे? प्लस हाफ, एंड क्लॉकवाइज के लिए क्या लेंगे? माइनस हाफ। इज दैट व्हाट आई हैड गिवन यू? बराबर है कि नहीं? ओके, मैंने ये वाले प्रेजेंटेशन में थोड़ी गलती करी थी। इज दिस फाइन? विल कंटिन्यू पता, मैं इन सबको निकाल देता हूं। ये चार क्वांटम नंबर को हमें यूज करना है। मैं नेक्स्ट टॉपिक में ले रहा हूं कि इसको कैसे यूज करेंगे, बट हमारे पास एन एल एम एस चार क्वांटम नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। इट गिव्स अस द एड्रेस सिस्टम ऑफ पूल एटम। उसके बाद थोड़ी और इंफॉर्मेशन जरा समझ लेते हैं। ओके, नंबर ऑफ सबसेल्स, नंबर ऑफ सबसेल्स इज ऑलवेज इक्वल टू एन। इसका मतलब क्या, मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि प्रिंसिपल सेल वन है, तो उसके पास कितने टाइप के सबसेल्स होंगे? अगर ये वन है तो जितना एन है उतने ही सबसेल्स। इसके लिए एन की वैल्यू वन, तो उसके पास एक ही टाइप का सबसेल है। मैंने आपको अभी बताया जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसके पास खाली एक एस टाइप का ही ऑर्बिटल है, 1s, मतलब उसके पास एस टाइप का ही सबसेल है। फर्स्ट एनर्जी लेवल हैज ओनली एस टाइप ऑफ सबसेल। सेकेंड एनर्जी लेवल हैज टू सबसेल्स, कौन कौन से? 2s एंड 2p। आर यू गेटिंग? नंबर ऑफ सबसेल्स, पहले वाले के पास 1, दूसरे वाले के पास 2, तीसरे वाले के पास 3, चौथे वाले के पास 4, देखते हैं 1 by 1। थर्ड के पास 3 है, कौन कौन से? 3s, 3p एंड 3d। फोर्थ वाले के पास 4, कौन कौन से? 4s, 4p, 4d, 4f। डू यू गेट दैट? आर यू गेटिंग दैट? देन कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू एन स्क्वायर, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू। जैसे कि यहां पे पहले के पास एन इक्वल टू 1 था, तो एन स्क्वायर का मतलब हुआ 1, उसके पास एक 1s का ही ऑर्बिटल है। उसके पास कौन सा ऑर्बिटल है? 1s का। इसके पास एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 है, देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए? 4, कौन कौन से? 2s का 1, 2p के 3, 2px, 2py, 2pz। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके पास सबसेल 2p का ही था, बट 2p के कितने है? 3 है ना यहां पे, तो टोटल ऑर्बिटल उसके पास 4 है। टोटल ऑर्बिटल कितने है? 4। एक सेल हुआ, सबसेल हुआ, सबसेल के अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हुए।
आर यू गेटिंग दैट? देन इसके अंदर सब सेल्स ओके, आपके पास टोटल एन इक्वल टू तीन है, सब सेल भी तीन है, बट नंबर ऑफ ऑर्बिटल एन स्क्वायर मतलब नाइन. कौन कौन से? 3s, 3p एंड 3d करेंगे. 3s का वन होता है, 3p के तीन और 3d के फाइव. 5 प्लस 3 प्लस 1 करो, टोटल 9 ऑर्बिट्स. सेम वे अगर हम इसके पास जाएंगे, अगर ये 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 है. कौन कौन से? 4s का एक, 4p के 3, 4d के 5 एंड 4s के 7, 4f के 7. अगर आप ऐड करते हो तो 16 हो जाएंगे. आज यू नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? उसके बाद हर एक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2n स्क्वायर, बिकॉज हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2. नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर n स्क्वायर है देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल n स्क्वायर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? समझ में आ रहा है ना सब लोगों को आपको? यस. जैसे कि पहले के पास एक ही ऑर्बिटल, मतलब उसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? दूसरे के पास चार ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18. दो इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे, दो 2px में, दो 2py में, दो 2pz में, टोटल चार ऑर्बिटल है. मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8. नेक्स्ट के लिए 9 ऑर्बिटल्स, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी 18, करेक्ट और नॉट? आर यू गेटिंग? उसके बाद 16 ऑर्बिटल्स है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32. Do you get that? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पूरा क्वांटम नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में 5 से 6 पेज में समझाया है, मैंने एक पेज के टेबल के अंदर समझा दिया है. आपको ये आता है तो क्वांटम नंबर अच्छी तरीके से आता है. ये बेस है, पूरे केमिस्ट्री का बेस है. आपको नहीं आ रहा है तो आप अपना हाथ ऊंचा करो, मैं वापस समझाऊंगा. आ रहा है अच्छी तरीके से? देन शो मी थम्स, गिव मी थम्स अप. अगर आपको आता है यस 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 टू मी, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट नाइसली? इफ यू अंडरस्टूड इट नाइसली देन से ओके, शो मी योर थम्स अप. या करेक्ट ना? दैट्स फाइन. ओके, नाउ आगे मैं बढ़ू उससे पहले इसको जरा पॉज करूंगा एंड आगे हम कंटिन्यू करेंगे. नहीं, कंटिन्यू करते ही है. इसी के बेस पे हमें एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, जरा ध्यान से समझना. ऑर्बिटल्स, सबसेल्स मतलब कितने टाइप के? S and P, type of orbitals. S orbitals and P orbitals. S is subcells. Total number of orbitals. Correct or not? अभी हमें क्या बताया जाएगा? हमने ये सीखा S orbital, 1s, 2s, 3s भी सीखा हमने. बराबर, हमें ऐसा बोलते हैं, write down. Question ये आएगा. Draw diagram of orbital and write the quantum numbers. ऐसे एक क्वेश्चन पूछते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? ड्रॉ ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्बिटल. हमें उसका ऑर्बिटल का डायग्राम भी ड्रॉ करना है एंड उसके क्वांटम नंबर भी लिखने हैं. तो देखो मैं आपको वन बाय वन कराता हूं. सपोज उन्होंने 1s हमें क्वेश्चन में दिया, तो 1s के लिए हम सिंपल सी चीज करेंगे, हम एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे. एक्स वाई जेड ड्रॉ किया एंड वेरी सिंपल वे, खाली बस आपको यही ड्रॉ कर देना है. अगर आप खाली सिंगल लाइन ड्रॉ कर सकते हो या तो दो लाइन ड्रॉ करके छोड़ दीजिए और यहां पे लिख दीजिए ये 1s है. ये क्या है? 1s. और उसके लिए n की वैल्यू 1 बिकॉज फर्स्ट है. L की वैल्यू, सिंस इट इज s ऑर्बिटल इट हैज टू बी जीरो. ओके, m हैज टू बी जीरो. जब भी l जीरो, m हैज टू बी जीरो. और s की वैल्यू इट कैन बी प्लस हाफ और माइनस हाफ डिपेंडिंग अपॉन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर 1s का हमें क्वेश्चन पूछा गया तो हमें इतना ड्रॉ कर. सपोज हमें पूछा गया 2s, विल स्टार्ट विद व्हाट? एक्स वाई जेड. देन आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर सो आपको डिफ्रेंसिएशन लगे. आप 1s भी दिखाओ एंड 2s भी दिखाओ. आप दिखाओगे दोनों, फिर n की वैल्यू
टू, बिकॉज टू एस के लिए पूछा है। एल की वैल्यू जीरो, जब भी एस ऑर्बिटल एल जीरो ही होगा, यह मतलब क्या हो जाता है पी। ओके, अगर एल जीरो है तो एम हैज टू बी जीरो, एस इक्वल्स टू प्लस और माइनस हाफ डिपेंडिंग अपन स्पिन, वो दोनों लिखने का। सपोज आपको पूछा थ्री एस ऑल्सो, तो आप पहले एक्सिस ड्रॉ करोगे एक्स वाई जेड, एंड देन लेट्स से ये हमारी वन एस है, देन टू एस है, एंड दिस इज अवर थ्री एस। करेक्ट और नॉट, आर यू गेटिंग दैट? समझ में आ रहा है मैं जो कर रहा हूं यहां पे? थोड़ी एक्स वाई जेड एक्सिस बड़ी कर देता हूं। एन की वैल्यू थ्री, एल जीरो ही रहेगा, एम जीरो, एस इक्वल्स टू, करेक्ट और नॉट? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे, उससे पहले मैं दूसरा देता हूं, बाद में सब बात में करोगे, बराबर है कि नहीं? ये आपको समझ में आया? उसके बाद ऑर्बिटल डायग्राम का ये था टॉपिक, मैं करवा दिया। सेकंड, आपको पूछा गया 2px 2py 2pz के डायग्राम्स ड्रॉ करो। ओके, 2px 2py मैंने ये डायग्राम ऑलरेडी बना के रखे हुए, लेकिन आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। तो ड्रॉ करने सिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले एक्स वाई जेड एक्सिस बना दो, बहुत सिंपल है, एंड देन 2px बनानी है, दैट्स इट, एक्स वाई जेड। समटाइम्स हम थोड़ी और इंफॉर्मेशन भी देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव डज नॉट डेपिसेस द चार्ज, इट इंडिकेट्स पॉजिटिव डिरेक्शन एंड नेगेटिव डिरेक्शन, दैट्स इट, डिरेक्शन। ओके, एंड इसके लिए एन की वैल्यू टू, बिकॉज 2px है, कौन सी हमारे पास, एन इक्वल्स टू, एल इक्वल्स टू वन, बिकॉज पी के लिए एल हमेशा क्या रहेगा, वन, जीरो वन टू थ्री एस पी डी एफ, वो खाली एल एल के लिए ही याद रखना। एम इक्वल्स टू पी एक्स है प्लस वन, प्लस वन वो टेबल में मैंने सिखाया, एस कैन बी प्लस ओ माइनस हाफ। अगर टू पी वाई ड्रॉ करनी है, ओके, कहीं बुक में वर्टिकल डिरेक्शन को उन्होंने वाई बताया, कहीं बुक में इसको वाई बताया, ये वाई और ये जेड, बट आप स्पेसिफाई कीजिए 2py का मतलब क्या। एन हैज टू बी टू, एल हैज टू बी, पी है इसलिए वन, एल हैज टू बी वन, एम विल बी माइनस वन, वो टेबल में मैंने सिखाया आपको। ओके, माइनस वन, एंड एस की वैल्यू प्लस और माइनस हाफ। टू पी जेड पूछा है आपको, एक्स वाई जेड, जेड डिरेक्शन में, पॉजिटिव नेगेटिव, एन की वैल्यू टू, टू टू पी है, एल की वैल्यू वन, एम की वैल्यू जीरो। समझ में आ रहा है? यहां पे आपका एम मैटर करता है। आप देखो, एम प्लस वन देन एक्स है, एम माइनस वन देन वाई है, एम जीरो, बाकी तीनों के और सब कुछ सेम है, एस की वैल्यू प्लस एंड माइनस हाफ। आप तीनों कंपेयर करोगे ना, बाकी तीनों नंबर सेम है, एन एल एंड एस सेम है, फर्क है खाली एम पे, फर्क कहां पे है खाली, बराबर। सपोज इसकी जगह पे हमें पूछ लिया होता लेट्स से 4py, क्या पूछा उन्होंने, तो हम ड्रॉ ऐसे करते एक्स वाई जेड, यहां पे लिखते एन इक्वल टू फोर, एल तो वन ही आता क्यों पी है, एम की वैल्यू वाई के लिए माइनस वन, एस के लिए, डू यू गेट दिस? आपको इसको भी ड्रॉ करना है, लेकिन उससे पहले मैं जरा ये वाला भी ले लेता हूं, डी, ये डी ऑर्बिटल्स के डायग्राम है, बहुत इजी है, मैं पहले से ड्रॉ करके रखे, लेकिन आपको बताता हूं कैसे। जब वो dz स्क्वायर पूछते, कौन सा पूछा उन्होंने, dz स्क्वायर, बहुत ही सिंपल तरीका है, एक्स वाई जेड कीजिए आएगा, फिर
ये आएगा, ये सुनो, देन आप ऐसे रिंग बना दीजिए, दिख रहा है आप लोगों को? मैं और कलर यूज करूं, लेट मी यूज द अदर कलर। रिंग लाइक दिस, ओके, और ये वाला ऐसे था, करेक्ट? आएगा कि नहीं आएगा ड्रॉ करना? सिंपल है, ओके। इसके लिए मेरे पास स्पेस थोड़ी कम, बताऊं मैं आपको, यहां पे ड्रॉ करके बताऊं। देखो एक्स वाई जेड लिया, ये आता है यहां से, आप ऐसे कर लीजिए। कई बार ये रिंग को खत्म नहीं करो, ऐसे करो तो भी अच्छा है, वो थ्री डी थोड़ा सा इफेक्ट दिखाता है। आर गेटिंग देयर? ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके लिए एन की वैल्यू 3, बिकॉज हम 3D ऑर्बिटर्स ड्रॉ कर रहे हैं। कौन सी ड्रॉ कर रहे हैं? 3D। तो एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2 डी के लिए, एम की वैल्यू जेड स्क्वायर है 0, वो याद रखना है। जेड स्क्वायर के लिए 0, एस कैन बी प्लस और माइनस हाफ, करेक्ट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर जरा ध्यान से ये वाला चीज समझना, इसको मैं मिटा दूं अभी, आपको ड्रॉ करना आएगा ना खुद? ओके, ओके, जरा ध्यान से ये वाला समझना, मैं ड्रॉ कर रहा हूं 3DYZ, मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। 3DYZ ड्रॉ करना है ना, खाली जेड एक्सिस एंड वाई एक्सिस ही ड्रॉ कीजिए, तो मत ड्रॉ करना, वाई एंड जेड को ही ड्रॉ करो। एंड कैन यू सी देयर आर 4 क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर में हम अच्छी तरीके से ये बना देंगे डबल डंबल। ये था हमारा वाई एक्सिस, ये था हमारा जेड। ये ड्रॉ करने के बाद आप एक्स एक्सिस को ड्रॉ कीजिए, उसके बाद एक्सिस को ड्रॉ कीजिए, उससे पहले मत करना, क्योंकि अगर आप 3 एक्सिस ड्रॉ कर लेते हो ना, अभी कहां पे कौन सा लोब डालना हो पता नहीं चलता है। वहां पे इजी था, 4 क्वार्टर बना दो, उसके पीछे बना दो, एंड देन एक्सिस ड्रॉ कीजिए। 3DYZ ड्रॉ कर रहे थे हम, 3DYZ के लिए वैल्यू ऑफ एन शुड बी 3, एल शुड बी 2, एम वाई जेड, देखो शुरुआत ऐसे याद रखना, जेड स्क्वायर को हमेशा 0 देना है बेटा, ध्यान यहां पे, जेड स्क्वायर को हमेशा 0 देना है। आई थिंक देख रहे थे तो आपको 500 रुपीज फाइन है, पेटेंस वही है आपको। जेड स्क्वायर को क्या देना है देखो, आप कहीं क्योंकि ये भूल जाओगे, इसके लिए मैं आपको सिखाता हूं, ऐसे लिखिए पहले DXY, YZ, बीच में जेड स्क्वायर, बीच में क्या करोगे? जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर को पहले लिखा XY YZ, ZX एंड लास्ट में X²-Y²। अभी आप लिख सकते हो ये 0 है, +2 +1 0 -1 आ चुका है, -1 एंड -2, हम कौन सा ड्रॉ कर रहे थे? YZ। तो इसके लिए M की वैल्यू +1, S की वैल्यू +1 -1। डू यू गेट दैट? अगर मुझे 3DXY ड्रॉ करना है, 3DXY के लिए आई विल ड्रॉ ओनली एक्स एंड वाई प्लेन, व्हाट एक्स एंड वाई, ओके, आई विल नॉट ड्रॉ द जेड एक्सिस। फिर 4 क्वार्टर बनते, 4 क्वार्टर के बीच में से मैं क्या करूंगा? करेक्ट, बीच में से आप डबल ये लोब्स कर दो, देन यू ड्रॉ योर जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कहां से ड्रॉ करोगे? डिड यू गेट दैट? इसके लिए एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू XY+2 सो माइनस हाफ, XY किया, YZ किया, XZ बाकी है, XZ के लिए क्या करोगे? X and Z, दिस इज योर X and Z, बीच में से लोब्स बनाइए,
अच्छी तरीके से एंड देन ड्रॉ वाई, देन ड्रॉ वाई, एन इक्वल्स टू 3, एल इक्वल्स टू 2, एम इक्वल्स टू कौन सा ये एक्स जेड, एक्स जेड के लिए माइनस 1, एस इक्वल टू, ये वाला काफी इजी है। 3D एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ड्रॉ करना है बहुत इजी, एक्स वाई जेड तीनों ड्रॉ कर दीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स वाई एन जेड खाली आपको ये करना है जैसे हमने पी ऑर्बिटल में किया था ना, एक्स एंड वाई एक्सिस पे ही करना है जो हमने पी में किया था, पी एक्स पी वाई पी जेड में। एन की वैल्यू 3, एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू -2, एस इक्वल्स टू प्लस और माइनस हाफ। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, हमारे सिलेबस डायग्राम है। तो मैंने आपको क्वांटम नंबर भी सिखाया, टेबल ऑफ क्वांटम नंबर एंड देन डायग्राम, बराबर है कि नहीं। मैं आपको ये लिखने के लिए देता हूँ, उससे पहले मैं जरा इसको सेव कर लेता हूँ। जो वीडियो देख रहे हैं वो पीछे जाके इसको ड्रॉ करेंगे।